पानी पी लिया है और इन्होंने खाना भी खा लिया, खाना पूछा भी नहीं आपने। तो पूछना क्या है इधर, उधर तुम लोग पानी पी रहे थे, हम इधर खाना खा रहे। इधर भी देख लीजिए थोड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज़ जैसा कि पिछला वीडियो आप सभी ने हल्दी का देखा और आज का वीडियो बारात का होगा। और अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है और सूरज तो निकल चुका है, धूप भी निकल चुका है और आप लोग देख सकते हो मैं दूसरे गाँव में हूँ। मैंने बताया था कि मैं मथारे आने वाली हूँ। हमारे धानापुर से एक डेढ़ घंटे का रास्ता है और धानापुर हमारा चंदौली ज़िले में पड़ता है और मथारे पड़ता है गाजीपुर ज़िले में। तो अभी हम लोग मथारे गांव में, और मेरी सिस्टर का घर थोड़ा सा बाहर है, आप लोग देख सकते हो। और ये है मथारे गांव, इस साइड पूरा गांव है, मस्जिद भी दिख रहा है। तो मैं भी मथारे पहली बार ही आई हूँ लेकिन अंदर गाँव में नहीं गई है, गाँव में भी एक घर है। तो अभी हम लोग इधर ही हैं जहाँ से शादी हो रही है। तो आज है शादी और आप सभी को शादी की वीडियो मिलेगी, लेकिन बारात बहुत ही दूर से आ रही है, इस वजह से हमको लग रहा है बारात जल्दी आ जाएगी और जल्दी विदाई भी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सब फटाफट नीचे चलते हैं क्योंकि ऐजल के पापा भी आ जाने वाले हैं, कल नहीं आए हम लोग के साथ तो आ जाएंगे। तो चलिए चल के नीचे देखते हैं। तो फाइनली गाइस मैं भी आ चुका हूँ और बहुत अच्छी लग रही है इस कपड़े में ये। और इधर देख सकते हैं आप, ये भी सो रहे हैं और हम लोग इधर बैठे हुए हैं और मेरी बिटिया इधर, सभी लोग ऊपर हैं। वैसे इनको अकेले कहीं जाना आना अच्छा लगता है और मुझे छोड़ के ही चली जाती है। कहाँ आपको छोड़ के जाती है? बिल्कुल अभी मैं आया हूँ, अभी आधे घंटे हुए मुझे आए हुए और ये कल का ही है। क्यों आई अकेले? तो आप कल नहीं आए तो उगाना पड़ा, कल आपको हम तो बोले चलिए आप तो कहीं से भी खा पी लेते फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना नाश्ता कर ली? नाश्ता हमारा हो गया, आप लोग का बचा है, नाश्ता है आप लोग। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। कलेजी खाना मैं नहीं खाता हूँ। ओके तो गाइस आप सभी देख सकते हो इधर टेंट लगा हुआ है और ये एक स्कूल है। स्कूल के मतलब बीचों बीच में बहुत सारा जगह खाली था तो यहीं पे टेंट लगा हुआ है और लेडीज़ भी आ रही हैं और जेंट्स भी, और यहीं पे सारा इंतज़ाम किया गया है। देख सकते हो आप लोग यहाँ टेबल वगैरह लगाया है, मुझे तो यहाँ का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो घर के लोग बैठे हुए, अभी बारात नहीं आई हुई है और यहाँ लेडीज़ का भी इंतज़ाम है और घर वालों का भी यहीं पर इंतज़ाम है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाल तो सही लगा था हमारे बालों, ऐसे ही सही लगा था लेकिन वीडियो में क्लीन है। जाओ बिट्टू मम्मा के पास जाओ, आ जाओ दूसरा कपड़ा पहना देंगे ना बाद में। जाओ बिट्टू के पास जाओ, रुमाल लेके आओ, चल चल मम्मा अम्मा के पास चली जाओ, अम्मा के पास ऐसा अम्मा के पास जाओ। तो गाइस अभी तैयार हो चुके हैं हम लोग और सभी लोग तैयार हो चुके हैं घर के, और एक दो लोग बचे हैं तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद पानी और खाना का इंतजाम बाहर है, तो फिर बाहर चलते हैं, देखते हैं, खा पी लेते हैं वहाँ, अंदर आए पहला दे रहे तो बोला काफ़ी देर से परेशान कर रही है, मम्मा मुझे ये लगा दो, मम्मा मुझे वो लगा दो, और लगाने के बाद तुरंत खा जा रही है लिपस्टिक। और ऐजल ऐजल अपना जूती मत उतारना ना, और ये फ्रॉक पहन नहीं रही है लड़की, इतना परेशान कर रही है। नॉर्मल कपड़े में ही कंफर्टेबल रहती है। और कुछ गेस्ट बचे हुए थे अभी आने के लिए, तो फिर चलते हैं हम लोग स्टॉल में जहाँ पानी वानी पीने का इंतज़ाम है सारा। सभी छत पे आ गए और सभी लोग छत पे हैं, कुछ लोग नीचे भी हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं गेस्ट आने के लिए आ जाते हैं। चलते हैं हम लोग स्टॉल में पानी वानी पी के आते हैं और हो सकता है खाना भी वहीं खाया जाए और बारात भी आ चुकी है। चलते हैं छत पे ही थे, इधर आप लोग देख सकते हो सभी लोग छत पे ही है। तो गाइज आप सभी ने तो पटाखे की आवाज़ सुनी ही, तो बारात आ चुकी है और हम सभी को बस थोड़ी देर में वहाँ चलना है। कहाँ चलो? नीचे जाओगे? अम्मा के पास तो नीचे ही रहती है, अभी छत पे आई हो, फिर नीचे जाओगे। तो सभी लोग जा रहे हैं आप, और पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी औरतें जा भी चुकी हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं और रास्ता इधर का सही नहीं है तो चल के उधर ही वीडियो बनाते हैं।
तो गाइस बहुत तेज़ भूख लगी थी हम लोगों को और दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले चटपटा चीज़ खाते। और वैसे भी मैं मीठा नहीं जल्दी खाना पसंद करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने चाट लिया। चाट खाएंगे फिर उसके बाद चाउमीन भी टेस्ट करेंगे। चाउमीन मैं बहुत कम खाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत तो खाऊँगी क्योंकि चटपटा है। चाट के बाद है नूडल्स की बारी, तो गाइज़ फटाफट नूडल्स भी खा लेते हैं। और नूडल्स बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं तो नूडल्स थोड़ा सा कम खाएंगे या फिर खा ही लेते हैं, क्योंकि पानी पीने के बाद मुझे खाना खा ही नहीं जाता है, तो यही खा के जब रह ही जाना है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे अंदर, देखेंगे दूल्हा भी बगल वाले रूम में बैठा हुआ है और सारी बरातियाँ भी हैं, तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। ज़्यादा खा ली थी क्या बेटा? जो लाइटिंग लग गया था आपको, इसको लाइटिंग लग गया था तो बोली थी मम्मी हगा था। वापस लेके आना पड़ा इसको। तुम भी खाना खा लियो ना? नहीं खाना तो नहीं खाया अभी, तो हम लोग पानी पिए। अभी पानी पी के आई हो बेटा? तुम खाना ज़्यादा खा ली थी क्या? कुछ नहीं खाई है, कुछ भी नहीं। लेकिन गाइस मैं तो खाना खा चुका हूँ। और इसको लाइटिंग कराने के लिए, पोटी कराने के लिए घर पे लाए थे। बेटा पोटी कर ली ना? बहुत अच्छा, देखिए हाँ बोल। और बम फटता है तो, जब फटता है तो बहुत परेशान हो जाती है। तो जी तो गाइस हमने पानी पी लिया है और इन्होंने खाना भी खा लिया। खाना नहीं पूछा भी नहीं आपने, तो पूछना क्या है? इधर उधर तुम लोग पानी पी रहे थे, हम इधर खाना खा रहे थे। साथ में आप लोग कमेंट करते थे, बताइएगा। अभी हम लोग एक पिक भी नहीं क्लिक किए साथ में, तो साथ में यार कोई पिक क्लिक करने वाला भी नहीं मिलता है, फोटो क्लिक करने में खुद ही से सेल्फी ले लेंगे। और ये पैसा चेक कर रही है, पॉकेट चेक कर रही है, बहुत चालू लड़की है मेरी। मम्मी पी गई है, मम्मी पी गई है। ये पेट चलते हैं फटाफट, क्योंकि हम अभी खाना भी नहीं खाया, चलते खाना खाते हैं। फिर उसके बाद निकाह तो हो गया, हम लोग उधर ही थे पानी पीने चले गए थे, तब तक निकाह हो गया। तो अभी दूल्हा भी आ गया, पता भी नहीं चला किसी को कि इधर निकाह भी होगा, इधर कोई भी था भी नहीं घर पे। तो विदाई, और आई मीन दूल्हा आंगन में आएगा, फिर उसके बाद विदाई। दो रसम अभी बाकी है, तो चलते पहले खा लेते हैं, फिर आप सभी को दोनों रसम दिखा। पेट भर के खाना, इस पेट को भर लेना। नहीं मैं अमन नहीं, एक एक किस खा लेंगे कुछ खाना ही खाने का। चलो फिर चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। और हम दोनों साथ में रहते हैं तो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करो। तो गाइस अभी है खाने की बारी और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ा सा सिर्फ चिल्ली और सलाद खाऊंगी, क्योंकि मुझे सालन और गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता खाना, तो मैंने थोड़ा सा चिल्ली लिया है। तो गाइस पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, मैंने दुल्हन का कपड़ा और ससुराल ले जाने वाला सारा कपड़ा दिखाया था, और ये सारे कपड़े दुल्हन के ससुराल से आया हुआ है, आई मीन मेरे सिस्टर के ससुराल से ये सारे कपड़े आए हुए हैं, तो इधर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी वीडियो बना लेते हैं। इधर भी देख लीजिए थोड़ा। इधर देख के पिलाइए, इधर एक प्लेस है, इधर भी देख लीजिएगा। Thank you.
नहीं हो पाई तो भोर हो गया विदाई होने में, 4 बजे के बाद विदाई हुई और बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, 2 रात से नहीं सोए हैं और सब फाइनली हो गया धीरे धीरे। और अभी मैं ऊपर चढ़ के तो इस वजह से हाफ रही हूँ, तो घर भी निकलना है हम लोग को। और ऐजल सोई थी तो मैंने सोचा कि ऐजल उठ जाती है तो उसके बाद घर निकलते हैं। और गाइस इस वीडियो को ये एंड करते, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।